जो निर्णय हुआ, जो मेजॉरिटी थी और जो विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं उनके बाजू में ये रिजल्ट लगा है। बाड़ा साहब की विचारधाराओं को जीवंत रखना चाहते हैं तो उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के साथ में बाड़ा साहब के विचार उन्होंने जिंदा रखने का काम उनके साथ जाकर करना चाहिए। वो बोलते हैं ना, जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं और धनुष बाण उनका नहीं। वो ही प्रसाद इनको आज उद्धव जी को ये रिजल्ट के माध्यम से मिला है। महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि के निमित्त शंकर भगवान ने उद्धव ठाकरे जी को बहुत अच्छा प्रसाद दिया। मुझे लगता है जो रिजल्ट एकनाथ शिंदे जी के बाजू में लगा है, जो विचारधारा हम बचपन से हमारे महाराष्ट्र में सुनते आए, छोटे से बड़े हो गए हैं, जो आइडियोलॉजी हमारे बाड़ा साहब ठाकरे जी ने लोगों के बीच में रखी, उस आइडियोलॉजी से, उच्च विचारधाराओं से शिवसेना फॉर्म हुई थी और उनके साथ काम करके अपने ग्राउंड से यहां तक पहुंचाने का काम एकनाथ शिंदे जी ने किया। 40 आमदार, एमएलए, 12 एमपी अगर एक व्यक्ति को छोड़कर बाहर करते हैं, बाहर जाते हैं, तो मुझे लगता है वो एक व्यक्ति गलत होगा या 50-55 लोग गलत होंगे। ये विचार तो सभी ने एक बार करना चाहिए। तो मुझे लगता है जो निर्णय हुआ, जो मेजॉरिटी थी और जो विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं उनके बाजू में ये रिजल्ट लगा है। तो अभी भी उद्धव ठाकरे जी के पास समय है, अगर वो सही मायने में, अगर बाड़ा साहब की विचारधाराओं को जीवंत रखना चाहते हैं तो उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के साथ में बाड़ा साहब के विचार उन्होंने जिंदा रखने का काम उनके साथ जाकर करना चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जो आने वाले समय में जो शिवसेना भवन है वो भी एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता को यही अपेक्षित था। और इसके साथ में जो अत्याचार उन्होंने 2.5 सालों में हम जैसे लोगों के साथ और बाकी एमएलओसों के साथ किए हैं, वो बोलते हैं ना, जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं और धनुष बाण उनका नहीं। वो ही प्रसाद इनको आज उद्धव जी को ये रिजल्ट के माध्यम से मिला है। और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट दिया है, जिनके बाजू में मेजॉरिटी थी, जिनकी विचारधारा सही थी, उनके बाजू में ये रिजल्ट लगा है। तो मुझे लगता है आज भोले जी का प्रसाद बहुत अच्छा उद्धव जी को मिला है।